अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुजरात में चुनाव से चंद दिनों पहले ओपिनियन पोल्स में जिस तरह रुझानों में बदलाव दिखाई दे रहा है, उससे पता चल रहा है कि शुरुआत में आसान दिखाई दे रही चुनावी जंग अब कांटे की टक्कर में तब्दील हो चुकी है। कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है और बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है। कांग्रेस अपनी बढ़त से खुद भी हैरत में है। हालांकि जानकार और चुनावी पंडित शायद बीजेपी के कैंपेन में चल रहे एक छोटी सी लाइन पर गौर करना भूल गए हैं। अलाउद्दीन खिलजी, हाफिज सईद, शाहजहां और औरंगजेब के शोरगुल में यह लाइन अक्सर दब जाती है, बल्कि असलियत यह है कि इन सब में 21वीं सदी के गुजरात के वास्तविक मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं। यह नई लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में है और यह 17 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान के प्रदर्शन से उनकी तुलना करती है। गुजरातियों को एक मुख्यमंत्री के तौर पर खड़ी की गई ब्रांड इक्विटी के आधार पर नई दिल्ली में सत्ता की सबसे ऊंची गद्दी पर पहुंचे मोदी और पिछले 3 साल से देश का शासन चला रहे मोदी के बीच चुनने की आजादी ऑफर की जा रही है। पहले रूप में मोदी गुजरात का एक व्यापक लोकप्रिय चेहरा है, इस मामले में वह एक मिथक जैसे हैं। दूसरे में एक मिलीजुली राय पैदा होती है जिसमें लोगों की परेशानियां भी हैं, एक ऐसा मोदी ब्रांड जो कि एक बेहतर भविष्य का वादा करता है और इसका समर्थन करने वालों का भी एक वर्ग है। आप इनमें से चाहे जिसे भी चुने, बीजेपी को ही फायदा होगा। नजदीकी से देखें तो आपको पता चलेगा कि कई स्तरों पर प्रधानमंत्री 2017 बनाम मुख्यमंत्री 2012 का पक्ष रखा जा रहा है। ऐसा दिखता है कि प्रधानमंत्री ही बीजेपी का राज्य में एकमात्र चेहरा है और पार्टी को भरोसा है कि वह चुनाव जीत जाएगी। बड़ौदा की प्रतिष्ठित मिस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट फायोना दियास ने कहा, हमने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखा है, हमने उनका काम देखा है, हमें उनका विकल्प तलाशने की कोई जरूरत नहीं है। राजनीति विज्ञान की एक स्टूडेंट अभिव्यक्ति हौदिक पटेल को एक ऐसे नए चेहरे के तौर पर देखती हैं जो कि बीजेपी के वर्चस्व को तोड़ना चाहते हैं। पटेल की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है, इससे बीजेपी में पाटीदार वोटों को लेकर चिंता पैदा हो रही है। मोदी की बायोग्राफी लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं, मोदी का जादू अब खत्म हो रहा है और उन्हें इसे फिर से गढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पहली बार मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुखोपाध्याय कहते हैं, गुजरात 2017 की लड़ाई 2012 या 2014 के मुकाबले कहीं ज्यादा कड़ी है। राजनीति को वक्त के लेंस से देखा चाहिए। मोदी गुजरात को अपने मुख्यमंत्री के दौर की याद दिलाते हैं, साथ ही वह बतौर प्रधानमंत्री जीएसटी और नोटबंदी के कड़े फैसलों के फायदों का भी जिक्र करते हैं। जब हम वर्तमान के लेंस से अतीत को देखते हैं तो कई बार नतीजे काफी चौंकाने वाले होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।